सर, यूक्रेन की जो ट्रेनिंग की तस्वीरें आ रही हैं, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है सर। सीधे लाइए सवालों के साथ अमिताभ जी को। मेरा सवाल आपसे कुछ और है, इज इट नॉट टू लेट? हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। देखिए निशांत, एक चीज बड़ा स्पष्ट है कि कितनी भी ट्रेनिंग कर दें, कितनी भी आर्म्स दे दें, आपने ऑफेंसिव कैपेबिलिटी यूक्रेन को नहीं दिया है और न देना चाहते हैं। टैंक या जितने भी एब्राम्स या एंटी मिसाइल गन्स जो आप दे रहे हैं, उससे आप सिर्फ रेजिस्ट कर पा रहे हैं। यहाँ विक्ट्री चाहिए, उसके लिए जो वेपन्स है या उसके लिए जो तैयारियां हैं वो उनको नहीं दे रहे हैं, जानबूझ के नहीं दे रहे हैं कि ये वॉर सस्टेन करे और ये वॉर ऑफ एट्रिशन बने और रशियन आर्मी वेयर आउट कर जाए। उनका इंटेंशन ये है, उनका इंटेंशन ये भी है वेस्ट का, कि वो किसी भी तरह ये चाहते हैं कि एक स्ट्रैटेजिक विन हो उनके लिए, ना कि यूक्रेन जीते। अगर यूक्रेन को जीतना होता तो उनके पास काफी वेपन्स दिए जा चुके हैं, और जितने भी देंगे, अगर आप 50 किलोमीटर से ज्यादा, 50 मील से ज्यादा की मारक क्षमता के मिसाइल नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर है आप वॉर जीतने नहीं देना चाहते हैं, आप सिर्फ वॉर को सस्टेन करना चाहते हैं, और इसमें वेस्ट सफल रहा है, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे। मुझे याद है आपके टीवी पर ही जो पुतिन के आइडियोलॉग हैं, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, अलेक्जेंडर दुगिन ने, कि आइदर रशिया विंस और वर्ल्ड कम्स टू एन एंड। शायद ये उसी का एक ट्रेलर है निशांत जी। आपने बहुत बड़ी बात कर दिया सर। अब लेकिन कैसे अलग अलग पश्चिमी देशों से यूक्रेन को कितने बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग दी जा रही है वो देखिए। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाता हूं, इसको देखिए। ये जो फैक्ट्स हैं ये आपके सामने बड़े इंटरेस्टिंग है। विनाशक तैयारी, बड़े अटैक की बारी, सीधे प्ले ऑन करिए यहां पर। ये देखिए, अब आप 2 महीने में 1000 यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग की गई है। कहां पर? ये यूएस ने किया है। अब तक 4000 सैनिकों को ट्रेन किया जा चुका है यूएस में। यहां पर यूएस फोर्स यूक्रेनी सैनिकों को लगातार ट्रेनिंग दे रही है। इस साल 9000 यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देगा जर्मनी। यूक्रेनी सैनिकों को लेपर्ड टैंक की ट्रेनिंग जर्मनी में मिल रही है। यूके की अगर बात करें, यूक्रेनी फौज की खतरनाक जॉइंट ट्रेनिंग है यहां पर। फिर देखिए बेलारूस बॉर्डर पर यूक्रेनी फोर्सेस जो हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है। यूक्रेनी एलीट फोर्स की ट्रेनिंग ऑलरेडी इंग्लैंड में हो चुकी है। अब जरा आपके सामने, इन सब के बीच खतरा लगातार बढ़ रहा है। बेलारूस बॉर्डर से फिर कुछ बड़ा होने वाला है। यस, तस्वीरें देखिए, क्योंकि बेलारूस बॉर्डर पर यूक्रेनी लाइव वॉर ड्रिल कर रहा है। यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्सेस के आक्रामक हमले की ट्रेनिंग जा रही है। रियल वॉर्स के दौरान ऑफेंसिव एक्शन की प्रैक्टिस हो रही है। तो यूक्रेन के खिलाफ रूस, बेलारूस ने भी विध्वंसक तैयारी शुरू कर दी है। एडिशनल फोर्स की ट्रेनिंग के लिए बेलारूस में 4 ट्रेनिंग ग्राउंड तैयार किए गए हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड को लेकर यूक्रेनी कमांडर सेरेई नाइव ने यह बड़ा दावा किया है। बेलारूस और यूक्रेन, देयर यू गो। अब यह आपके सामने फैक्ट्स हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। क्या बेलारूस बॉर्डर से फिर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बेलारूस बॉर्डर रूस और यूक्रेन की फ्रंट लाइन बनेगा? क्या वॉर ड्रिल के जरिए बेलारूस को धमकाने की कोशिश है?